हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज का जो लेक्चर है वो है अबाउट द पाथवे ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट, कि जब भी प्लांट्स वाटर अब्जॉर्ब करते हैं तो वो वाटर जो है कौन सा पाथवे फॉलो करता हुआ थ्रू आउट द रूट जाता है अंदर जाइलम टिश्यू के पास। ठीक है, तो उन्हीं पाथवे की बात करेंगे कि क्या क्या पाथवेज प्लांट्स जो है वो फॉलो करते हैं। तो देखिए, बेसिकली प्लांट्स जो हैं वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन दो पाथवे से करते हैं। द फर्स्ट वन इज, जो पहला पाथवे है प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्टेशन का, उसको हम बोलते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे, और जो दूसरा पाथवे है उसको हम बोलते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे। ठीक है, इन दोनों के बारे में ही हमें पढ़ना है, बारी बारी से पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ नॉर्मल सी बातें हैं, उसको हम समझ लेते हैं कि आखिर प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस होता कैसे है, थ्रू आउट होता कैसे है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज रूट हेयर सेल। अब हमने क्या किया है, हमने एक प्लांट है उसको कहाँ लगा दिया है, मिट्टी में लगा दिया है। तो मिट्टी में लगाएंगे तो ये रहा प्लांट का रूट, है ना, और ये रहे उसके लीव्स वगैरह जो भी। तो आपका जो वाटर, जब भी आप पानी डालेंगे तो प्लांट्स के रूट में ही तो पानी डालेंगे भाई, मतलब उसके सॉइल में ही तो पानी डालेंगे। तो सबसे पहले जो रूट के हेयर, रूट हेयर सेल होते हैं, रूट का डिटेल वीडियो जो है दैट इज़ अवेलेबल, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और भी सारी बात है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पानी कहाँ जाएगा, रूट हेयर सेल के पास जाएगा। रूट हेयर सेल के पास जब पानी जाएगा तो वहाँ पे तीन प्रोसेसेस होते हैं, इम्बिब्यूशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, जिसके थ्रू रूट जो है वाटर अब्जॉर्ब करता है। इन तीनों के ऊपर भी डिटेल वीडियोस हैं, मैंने सारा कुछ आपको बताया हुआ है, मैं पूरा प्लेलिस्ट जो है वो पिन कर दूंगी, आप जाके वहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है ना, ओके। तो अगर मैं रूट हेयर सेल की बात करूँ तो यहाँ पर अब्जॉर्प्शन होता है वाटर का राइजोस्फेयर से। राइजोस्फेयर मतलब रूट के आसपास का जो पूरा रीजन है दैट इज़ नोन एज राइजोस्फेयर, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जहाँ पे नॉन लिविंग एंटिटी भी रहती है एटमॉस्फेयर की, दैट इज़ द राइजोस्फेयर। ठीक है ना, तो राइजोस्फेयर से वाटर अब्जॉर्प्शन होता है किस प्रोसेस से, पहले इम्बिब्यूशन होता है, फिर डिफ्यूजन होता है, और फाइनली ऑस्मोसिस से वाटर कहाँ पर जाता है, रूट हेयर सेल के अंदर पहुँच जाता है। ठीक है, जब रूट हेयर सेल में पानी पहुँचेगा तो रूट हेयर सेल कैसा हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। ओके, कैसा हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, उसके साथ अंदर बहुत सारा पानी भर गया और वो टर्जिड हो गया। ठीक है, अब जैसे ही रूट हेयर सेल टर्जिड होगा तो उसकी वजह से उसके अंदर से सेल के अंदर का जो टर्गर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टर्गर प्रेशर बढ़ने के साथ जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट है DPD, वो क्या होगा, वो लोअर हो जाएगा। ठीक, और जैसे ही DPD लो होगा तो एडजेसेंट सेल्स जो हैं, मतलब रूट के आसपास के अगल बगल के जो सेल्स हैं जिसको कि हम कॉर्टिकल सेल्स बोलते हैं, वहाँ पे DPD ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पानी की कमी है। जब वहाँ पानी की कमी है वहाँ पे DPD ज़्यादा होगा तो वाटर जो है हायर लोअर DPD से मोर DPD कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, या आप बोलिए वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ वाटर जो है वो मूव करेगा। ठीक है, जिससे एडजेसेंट सेल में क्या होगा, वाटर भर जाएगा। एडजेसेंट सेल में वाटर भरेगा तो एडजेसेंट सेल वापस से टर्गिड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वाटर जो है पूरे रूट हेयर सेल के थ्रू मूव करता है और रूट इसी तरीके से वाटर के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है ना, वाटर जो है इसी तरीके से रूट्स के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है। फाइन, तो एक तो ये चीज़ हो गई कि टर्जिडिटी को कम ज़्यादा करके, ऑस्मोटिक प्रेशर को घटा बढ़ा के क्या किया जा रहा है, वाटर को अब्जॉर्ब किया जा रहा है बाय द रूट। दूसरा क्या होगा, थर्ड चीज़ क्या होगी, अ ग्रेडियंट ऑफ DPD और सक्शन प्रेशर इज फॉर्म्ड फ्रॉम रूट एपिडर्मिस टिल द रीजन ऑफ कॉर्टिकल रीजन। क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट या सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा, कहाँ से, यहाँ रूट से लेके आपके कॉर्टिकल सेल, मतलब जो सबसे अंदर वाले सेल हैं उसके एपिडर्मिस तक एक क्या होगा, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा। सक्शन प्रेशर मतलब आप समझिए एक काइंड ऑफ पुल फोर्स क्रिएट होगा जो कि वाटर को खींच के जल्दी से अंदर लेके आएगा। ठीक है, फोर्थ प्रोसेस में मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट हेयर, वाटर का जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, सबसे पहले पानी रूट हेयर में आता है, फिर एपिडर्मिस में, उसके बाद लूजली अरेंज कॉर्टिकल सेल में, उसके बाद पैसेज सेल ऑफ एपिडर्मिस, और फाइनली इट विल कम टू पेरिसाइकल एंड देन प्रोटोजाइलम। ठीक है, जाइलम में ही अल्टीमेटली पानी आना है। तो पाथवे में पानी कहाँ कहाँ से होता हुआ आ रहा है, देखिए इस डायग्राम से समझाएंगे। रूट हेयर, इसके बाद कहाँ आएगा,
नेक्स्ट लेयर में, जिसको हम सब एपिडर्मल लेयर और एपिडर्मल लेयर बोलते हैं, ठीक, पानी इधर से आएगा एपिडर्मल, सब एपिडर्मल और एपिडर्मल लेयर में आएगा, फिर ये कॉर्टेक्स में आएगा, उसके बाद एंडोडर्मिस में आएगा, फिर उसके बाद पेरिसाइकल में आएगा, फिर प्रोटोजाइलम में आएगा, और अल्टीमेटली पानी किधर आ गया, रूट से हमारे सेल के अंदर कॉर्टिकल रीजन में वाटर विल रीच, जाइलम के पास पानी पहुंच चुका है। तो वाटर हमें जाइलम के पास तक ही तो पहुंचाना है, इसके बाद जाइलम से फिर अलग ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ थियरीज है वाटर ट्रांसपोर्टेशन की, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरे पाथवे को फॉलो करता हुआ रूट जो है वो आता है। अगर आपको इस पाथवे में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपके क्लास 11th में एक चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, वहाँ पे आपने ये पूरा पाथवे पढ़ा होगा, आप वहाँ से एक बार रिवाइज कर लेंगे तो यू विल गेट टू नो कि ये पाथवे कैसा है, ओके। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद ड्यू टू कंटिन्यूअस अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर जो है वो कंटिन्यूअसली अब्जॉर्ब होता है, वाटर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज डेवलप, तो क्या होगा, जब वाटर कंटिन्यूअसली अब्जॉर्ब होगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो डेवलप होगा, जिसको कि हम रूट प्रेशर बोलते हैं, रूट में एक प्रेशर डेवलप होगा, दैट इज नोन एज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और रूट प्रेशर, और ये रूट प्रेशर मदद करता है किस चीज़ में, वाटर के कंडक्शन में, जाइलम तक वाटर के कंडक्शन में ये रूट प्रेशर जो है वो मदद करता है। क्या मतलब है रूट प्रेशर का, मतलब रूट में कहीं पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम है और वो कहीं ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा की तरफ क्या होगा, मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल का, दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट हेयर टू जाइलम टेक्स प्लेस अलोंग टू डिफरेंट पाथवे, दो पाथवे हैं जिससे वाटर का मूवमेंट होता है रूट हेयर से लेके जाइलम तक, उन पाथवे का नाम क्या है, एपोप्लास्टिक पाथवे एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे, टू पाथवेज, एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक, याद रखिएगा ये दोनों पाथवे वाटर का मूवमेंट कहाँ तक कराते हैं, आपके रूट हेयर से लेके जाइलम तक, सिर्फ रूट हेयर से जाइलम तक वाटर ट्रांसपोर्ट इन दो पाथवे से होता है, ठीक है। उसके आगे जाइलम के आगे वाटर कंडक्ट करके स्टेम में लीव्स में कैसे पहुँच रहा है, उन सबके अलग पाथवेज हैं, अलग मेथड्स हैं, उनके बारे में वी विल डिस्कस, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोनों पाथवे की, कि जो आपका एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे है इसमें डिफरेंस क्या है। एपोप्लास्टिक पाथवे जो है इसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे इज नॉन लिविंग पाथवे, इसके थ्रू वाटर जो है प्लांट के नॉन लिविंग सेल से होता हुआ पास करेगा, और प्लांट में नॉन लिविंग सेल है कौन सा, प्लांट सेल वॉल, दैट इज नॉन लिविंग, दैट इज फुल्ली परमिएबल, ठीक है। तो एपोप्लास्टिक पाथवे इज नॉन लिविंग पाथवे, जिसके थ्रू नॉन लिविंग सेल से होता हुआ पानी आपके रूट से कहाँ तक पहुँचेगा, जाइलम तक पहुँचेगा, ठीक है। द सेकेंड पाथवे इज सिम्प्लास्टिक पाथवे, इसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग पाथवे बोलते हैं, जिसमें वाटर अब कहाँ पहुँचेगा, आपके प्लांट के लिविंग पाथवे में पहुँचेगा, ठीक है। और ये जो पाथवे है सिम्प्लास्टिक पाथवे, ये किसके थ्रू होता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, दो सेल्स जो हैं उसके, मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, और ये भी एक सेल है, इन सेल के जो साइटोप्लाज्म है ये आपस में जुड़े हुए होते हैं बहुत ही माइन्यूट सी ओपनिंग के द्वारा, इसी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटल ओपनिंग बोलते हैं, जो कि इन दोनों के साइटोप्लाज्म को क्या करती है, कनेक्ट करती है, ठीक है ना। और ये जो प्लाज्मोडेस्माटल ओपनिंग है ये वैक्यूलर भी हो सकती है और ट्रांसमेम्ब्रेनल भी हो सकती है, इसके बारे में वी विल डिस्कस अभी, ठीक। बात करते हैं और एपोप्लास्टिक पाथवे की, तो हमने ये बोल दिया था कि ये नॉन लिविंग पाथवे है, इसके थ्रू वाटर क्या होगा, नॉन लिविंग सेल से होता हुआ जाएगा, तो नॉन लिविंग सेल कौन सा है, सेल वॉल है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेल वॉल, ठीक है। दूसरा, जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं कॉर्टेक्स के, कॉर्टिकल रीजन जो हैं, जहाँ पे लूजली टिश्यूज जो हैं वो लूजली अरेंज्ड हैं, वहाँ सेल के बीच में भी कुछ खाली जगह होंगी, उन जगहों से भी वो जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है उसके थ्रू भी वाटर मूव करेगा, ठीक है। अकर अप टू एपिडर्मिस, ये कहाँ तक होता है, एंडोडर्मिस तक ही होता है, उसके आगे नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें सिम्प्लास्टिक पाथवे की, तो वो सेल के अंदर से होता हुआ सब जगह तक, जाइलम तक ही जाएगा, और ये एंडोडर्मिस तक ही जाएगा बस, ठीक। अब देखिए, अगर हम वैक्यूलर और ट्रांसमेम्ब्रेनल प्लाज्मोडेस्माटा की बात करें, तो सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं, आपको पता है सेल का जो प्लांट सेल की अगर हम बात करें, तो उसका 75% स्पेस इज सराउंडेड बाई वैक्यूल ओनली। तो अगर दो सेल के वैक्यूल आपस में प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से जुड़े हुए हों, तो दैट इज नोन एज वैक्यूलर प्लाज्मोडेस्माटा। लेकिन अगर दो सेल के साइटोप्लाज्म आपस में प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से जुड़े हुए हों, तो दैट इज नोन एज ट्रांसमेम्ब्रेन प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, ओके, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। चलिए
अब हम डिटेल में पढ़ते हैं अबाउट द सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक पाथवे। पहले एपोप्लास्टिक पाथवे देखिए, जिसको हम नॉन लिविंग पाथवे बोलते थे। क्या कर रहे हैं भाई, हम वाटर का मूवमेंट करा रहे हैं। किसके थ्रू हम वाटर का मूवमेंट करा रहे हैं? आपके नॉन लिविंग सेल्स और टिश्यू के थ्रू। देखिए ये क्या है आपका, ये आपके रूट का एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको ये रहा एपोप्लास्टिक पाथवे विच इज़ द नॉन लिविंग पाथवे, ठीक है। और ऊपर जो है आपको दिखाया गया है सिम्प्लास्टिक पाथवे विच इज़ द लिविंग पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे नॉन लिविंग पाथवे कहाँ तक होता है? एंडोडर्मिस तक ही होता है, उसके अंदर नहीं जाता। और ये अप टू द जाइलम, सिम्प्लास्टिक अप टू द जाइलम होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये आपका कॉर्टिक्स का रीजन है जहाँ की लूजली अरेंज टिश्यू है। और ये आपके क्या है, ये सारे के सारे आपके रूट हेयर्स हैं, फाइन। और ये रहा आपका एंडोडर्मिस, इसके बाद पेरिसाइकल और फिर फ्लोएम, साइलम वगैरह सब कुछ है। कैस्पियन स्ट्रिप से करेगा सब कुछ दिखाया गया है, तो स्ट्रक्चर को ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम एपोप्लास्टिक पाथवे की बात करें तो देखिए वाटर क्या कर रहा है, इस तरीके से जा रहा है यहाँ से प्लांट के सेल वॉल से होता हुआ इधर जा रहा है अंदर की तरफ। कहाँ अंदर अंडर कर गया, ये आपके सिम्प्लास्टिक सॉरी रूट हेयर से होता हुआ अंदर की तरफ एंटर किया। अब ये देखिए कॉर्टेक्स के जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं उसके अंदर अंदर से जा रहा है, किसी सेल को क्रॉस नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इंटरसेलुलर स्पेसेस से होता हुआ किधर तक पहुंचा भाई, आपके एंडोडर्मिस तक। ये आपके एंडोडर्मिस की लेयर है, एंडोडर्मिस तक पहुंचा, बस यहाँ ये पाथवे खत्म, अंदर तक नहीं जाएगा, ठीक है। अगर हम सिम्प्लास्टिक पाथवे की बात करें तो ये पाथवे देखिए, इसमें वाटर जो है वो आपके रूट सेल के अंदर एंटर कर रहा है और इसके बाद कॉर्टिकल सेल के अंदर भी एंटर कर रहा है और सेल के थ्रू मूव करता करता किधर तक पहुँचा है, आपके जाइलम टिश्यू तक पहुँचा है फाइनली, ठीक है। तो ये लिविंग पाथवे है जो कि लिविंग सेल के थ्रू होता है, ये नॉन लिविंग पाथवे है जो कि नॉन लिविंग सेल के थ्रू होता है। इसके साथ साथ ये जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर से भी पाथवे फॉलो अप होता है। तो ये दो पाथवे हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा। एनसीईआरटी का एक डायग्राम है वो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ आपको प्लाज्मोडेस्मेटा दिखाया गया है, किस तरीके के प्लाज्मोडेस्मेटा हैं, ये ट्रांस मेम्ब्रेनल प्लाज्मोडेस्मेटा हैं, दीज आर ट्रांस मेम्ब्रेनल प्लाज्मोडेसेटा। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये रहा एपिडर्मिस, ये कॉर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकल और इसके बाद आपका जाइलम आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पे ये प्लाज्मोडेस्मेटा सबको दिख रहे हैं। तो देखिए ये जो लाइट कलर दिखाई गई है ये सिम्प्लास्टिक मतलब लिविंग पाथवे है, और जो एपोप्लास्टिक है नॉन लिविंग पाथवे वो डार्क कलर में दिखाई गई है। तो देखिए यहाँ आपका जो वाटर है इधर जब मूव कर रहा है तो ये एपोप्लास्टिक पाथवे को फॉलो कर रहा है, इधर से मूव करता हुआ ऐसे होता हुआ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कॉर्टेक्स में भी जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है वहाँ से पास करता हुआ फाइनली किधर जाएगा, एंडोडर्मिस में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एपोप्लास्टिक पाथवे की बात करें तो देखिए वाटर सेल के अंदर एंटर कर रहा है और एंटर करने के बाद आपके प्लाज्मोडेस्मेटा से होते हुए कॉर्टेक्स में पहुंच रहा है, वहां से होते हुए एंडोडर्मिस में पहुंच रहा है और फिर आगे पेरिसाइकल में और अल्टीमेटली इट विल रीच अप टू द जाइलम, ठीक है ना, ओके। तो ये दो पाथवेज हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये पता भी होने चाहिए। इसके अलावा लेट अस फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे। कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों में, चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है। यहाँ एपोप्लास्टिक है, यहाँ सिम्प्लास्टिक है। एपोप्लास्टिड इज नॉट प्रोटोप्लाज्मिक कॉम्पोनेंट ऑफ अ प्लांट। एपोप्लास्ट क्या होता है, ऐसा कॉम्पोनेंट होता है प्लांट्स का जो कि नॉन प्रोटोप्लाज्मिक है। इसमें क्या होता है, सेल का वॉल होता है और सेल के अंदर के इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। सेल का साइटोप्लाज्म हटा दीजिए, सेल वॉल और सेल का इंटरसेलुलर स्पेस, दैट इज द एपोप्लास्ट, ठीक है। सिम्प्लास्ट की बात करें तो ये कंटिन्यूअस नेटवर्क है प्रोटोप्लास्ट का ऑफ अ प्लांट दैट आर इंटरकनेक्टेड बाई प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। एपोप्लास्ट जो है नॉन लिविंग पाथवे है, नॉन लिविंग पाथ्स इसमें बेसिकली आते हैं सेल वॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस, और ये कैसा है, लिविंग पार्ट है, इसमें आपके सारे के सारे सेल्स आ जाएंगे, फाइन। इन एपोप्लास्ट द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द सेल इन द रूट कॉर्टेक्स डज नॉट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द सेल। अब इसमें क्या होगा, एपोप्लास्ट में जो सेल्स होंगे चूँकि वो डेड सेल है तो उनका मेटाबॉलिज्म आपके वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन सेल सिम्प्लास्ट में जो भी सेल हैं वो लिविंग हैं तो वो मेटाबॉलिज्म भी शो करेंगे और उनका मेटाबॉलिक रेट वाटर ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट करेगा, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर को इट विल अफेक्ट। एपोप्लास्ट में
देयर इज लेस रेजिस्टेंस इन टू द वाटर मूवमेंट. वाटर का मूवमेंट करने के लिए, वाटर जो पाथवे फॉलो कर रहा है, उस पाथवे को फॉलो अप करके जाने के लिए उसको रेजिस्टेंस कम मिलेगा, क्योंकि खाली जगह है, नॉन लिविंग सेल्स हैं, वो आराम से पास कर जाएंगे. लेकिन अगर हम सिम्प्लास पाथवे की बात करें, तो इस पर्टिकुलर पाथवे में देयर इज सम रेजिस्टेंस, कुछ रेजिस्टेंस होता है वाटर के मूवमेंट में. ठीक है, तो ये सारी बातें थी अबाउट एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे. आई थिंक दैट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और आपको ये चीज़ें समझ भी आई होंगी. इसके अलावा नेक्स्ट जो बातें हमें पढ़नी है, वाटर के ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड जो थ्योरी हैं, उन थ्योरीज के बारे में बात करेंगे. और पाथवे तो आज हमने कर ही लिया है, तो दैट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ेंगे इसके आगे की जो भी टॉपिक्स होंगे हमारे. और विद दैट, मेरी तरफ से मैंने आपको एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे क्लियर कर दिया है. मिलते हैं, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू.